किरण राव को काफी दिनों से शिकायत थी कि अभी आमिर उन्हें नहीं ले गए हैं हनीमून पर अब तक। तो कुछ दिन पहले जब जूम को आमिर मिले तो हमने उनके आगे किरण के केस की प्रॉक्सी की, जिस पर आमिर का कहना था कि वो धोबी घाट के रैप होने के बाद किरण के साथ जाएंगे हनीमून पर। Why do wives feel that honeymoon is something only they miss? Even we want honeymoon. जल्द से जल्द हम लोग जाएंगे अपने अपनी छुट्टी पर फिल्म के रिलीज के बाद। यही नहीं, जूम ने आमिर को जब सजेस्ट किया कि वैलेंटाइन डे पास ही है, वो क्यों नहीं वैलेंटाइन और हनीमून को क्लब कर लेते, तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट लाइक दिस सजेशन। वैलेंटाइंस डे के दौरान तो मैं एक्चुअली बर्लिन में हूँ और इस दफ़ा मैं वहाँ जूरी में हूँ, आई एम इन द बर्लिन फिल्म फेस्टिवल जूरी, तो किरण होंगी मेरे साथ, हम लोग साथ में हैं, चलिए वहाँ हनीमून वहाँ मना लेंगे। And Amir turned as good as his words, in fact slightly better, क्योंकि Berlin Festival तो start हो रहा है and Amir Kiran के साथ 8 Feb को ही पहुंच गए and वो भी Berlin नहीं बल्कि Zurich. Yes, it seems Amir ने सिर्फ यश राज की मूवी साइन ही नहीं की है बल्कि प्रॉपर यश चोपड़ा के रंग में रंग गए हैं, तभी तो टिपिकल यश राज मूवी की तरह Amir हनीमून मना रहे हैं स्विट्जरलैंड में। Why do wives feel that honeymoon is something only they miss? Even we want honeymoon. 3 जून को कोई ईद नहीं है लेकिन लगता है कि सलमान खान उसी दिन ईद मनाएंगे। अब हम ये क्यों कह रहे हैं, हमारी स्टोरी को देखकर आपको सब कुछ समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। अपने कैलेंडर में 3 जून को ध्यान से देख लीजिए। इस दिन कोई त्योहार नहीं लिखा है मगर हम आपको बता दें कि इस दिन ईद है, 3 जून को सलमान खान की ईद है। कंफ्यूज आ गए, ईद है तो नहीं मगर सलमान इसे ईद के अंदाज में ही मनाने का ख्वाब देख रहे हैं क्योंकि 3 जून को रिलीज होगी रेडी, यही कहते हैं उनके प्रोड्यूसर भूषण कुमार। जून में रिलीज कर रहे हैं हम लोग एंड 3 जून इज एज गुड एज ईद। जून में रिलीज कर रहे हैं हम लोग एंड 3 जून इज एज गुड एज ईद। अब आप सोच रहे होंगे कि ईद और फिल्म रिलीज होने का क्या कनेक्शन है। कनेक्शन ऐसा है कि सलमान अपनी मेजर फिल्म्स को ईद में ही रिलीज करते हैं और बॉडीगार्ड उन्होंने ईद के लिए बुक कर रखी है। ईद वी कैन नॉट गो बिकॉज़ सलमान भाई हैज अनदर रिलीज व्हिच इज बॉडीगार्ड ऑन ईद। मगर रेडी के लिए भी सल्लू का रिलीज प्लान रेडी है, वो इसे आईपीएल खत्म होने के बाद रिलीज करेंगे क्योंकि ये होगी बॉक्स ऑफिस पर पहली मेजर रिलीज। 3 जून इज एज गुड एज ईद, इट्स आईपीएल डेट, आईपीएल गेट फिनिश एंड दैट टाइम उससे 2.5 मंथ्स पहले तक कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, तो इट इज एज बिग एज ईद फॉर अस। यानी ईद से पहले ईद मनाएंगे सलमान बॉक्स ऑफिस पर। वैसे भी आईपीएल में पैसे ना लगाने के बावजूद सलमान इस सीजन से कमाई की उम्मीद तो रख ही सकते हैं। दिस बिगेस्ट एवर इन हिंदी सिनेमा, रेडी इज गोना बी द बिगेस्ट एवर इन हिंदी सिनेमा। की खबर पर लगी मोहर, सोनाक्षी देंगी आइटम नंबर का तड़का, लेकिन मजे की बात तो ये है कि सोनाक्षी के साथ वो भी नाचेंगी जिसे देखकर जल जाता है सोनाक्षी का दिल। देख रहे हैं आप सोनाक्षी के इन ठुमकों को, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं क्योंकि असली जवानी तो सोनाक्षी फिल्म जोकर में दिखाने जा रही है शीला बनकर। वैसे जूम ने ही आपको सबसे पहले खबर दी थी कि सोनाक्षी पर अब चढ़ सकता है शीला बनने का सुरूर, जब फरा ने ये इशारा किया था। आई थिंक आई शुड डू अ सॉन्ग विद सोनाक्षी नाउ, आई थिंक शी विल बी अ गुड डांसर। और अब इस खबर पर मुहर भी लग गई है। अरे अरे अरे, लेकिन आप जा कहां रहे हैं, खबर का असली ट्विस्ट तो भी बताना बाकी है। वो ट्विस्ट है ये, सोनाक्षी अकेली नहीं नाचेंगी, उनके साथ ठुमकों की टक्कर देंगी असली शीला भी, क्योंकि मुंबई के एक डेली की माने तो जोकर में फराह कटरीना और सोनाक्षी को एक साथ न जाना चाहती हैं। अब ये तो जमाना जानता है कि कटरीना को देखकर सोनाक्षी का दिल कैसे चलता है, क्योंकि 30 मार खां की स्क्रीनिंग पर जाने के बावजूद भी वो कटरीना से मिली तक नहीं थी और न मिलने का दिया था ये जवाब। बीच में आई थी और मैं पीछे बैठी थी तो बात नहीं हो पाई। ताज्जुब की बात है कि जो कटरीना और सोनाक्षी एक दूसरे को एक आंख भी नहीं देखना चाहती वो साथ ठुमके लगाएंगी और जमाना एक साथ देखेगा दोनों हीरोइंस की जवानी को। जूम को एक्सक्लूसिव न्यूज मिली है कि एक वक्त पर फौजी सीरियल में काम करने वाले शाहरुख खान अब इसी थीम पर फिल्म बनाना चाहते हैं। फॉर ऑल द डिटेल्स चेक आउट द स्टोरी।
मैं हमेशा थोड़ा लेट हूँ, मैं एक दिन लेट चल रहा हूँ अपनी जिंदगी के अंदर। मैं शूटिंग कर रहा था, मेरे हाथों में अभी तक खून लगा, मेहंदी लगी हुई, बट आई वॉज वर्किंग, थोड़ा लेट चल रहा हूँ मैं, लेकिन पहुँच गया। शाहरुख, आपने ये तो सही बताया कि आप फिल्म सिटी में शूट में बिजी थे, एंड ये भी सही बताया कि आप आजकल वक्त के पीछे चल रहे हैं, लेकिन आप शायद इस स्टेटमेंट को एलैबोरेट करना भूल गए। एनीवे, जूम आपको बता रहा है इसके पीछे की कहानी। SRK in fact revisited past and that too in film city. A little birdie told us Imran Avantika ke reception ke din SRK was shooting for Dawn 2 in film city. Wahin SRK ko khabar mili that Aami ke senior jo apni wife ke saath Mumbai aaye hue the is taking a touristy tour of film city. To SRK respectfully invited them on the sets and ek pyali chai ke upar SRK ne unhe bataya that the regards he has for armed forces, kaise unhone NDA ke liye apply kiya tha and kaise hai unka serial fauji unke dil ke kafi kareeb. Itna hi nahi, pata चला है कि SRK ने ये भी बताया कि वो कैसे फौजी पर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन कैंट एरिया में शूटिंग की परमिशन नहीं मिलने की वजह से रुक गया था प्रोजेक्ट। नाउ व्हाट वी वंडर शाहरुख इज कि आपकी ये बात महज बात थी या इसके पीछे प्रोजेक्ट फौजी को साकार करने का ख्वाब। और अब खबर जरा हट के, तनु वेड्स मनु के प्रमोशनल सॉन्ग के लिए कंगना को करना था मीका को किस, लेकिन कंगना ने कर दिया साफ इनकार ये कहकर कि मैं राखी सावंत नहीं हूँ। कंगना रनौत ने कर दिया मीका को किस करने से इनकार। कंगना ने कहा कि वो नहीं है राखी सावंत। वेल, पूरी खबर सुनने से पहले जरा आप मीका और राखी की इस गर्म खबर को एक बार फिर से ताजा कर लीजिए। जिसमें मीका ने राखी को किस किया था और इस किस के किस्से ने मीडिया में बवाल खड़ा कर दिया था। और अब हम आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल कंगना रनौत और माधवन ने मीका के साथ तनु वेड्स मनु का प्रमोशनल सॉन्ग शूट करना था। इस सॉन्ग में कंगना को आखिर में मीका को किस करना था, लेकिन इससे पहले कि किस वाला सीन शूट करते, कंगना ने साफ मना कर दिया कि वो कोई राखी सावंत नहीं है जो मीका को किस करे। गो टू हेल्थ, आखिर में डायरेक्टर को सबको साथ नचा कर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन इस बात से इतना तो प्रूव हो गया है कि कंगना ने इमरान हाशमी और शाइनी आहूजा को भले ही किस किया हो, लेकिन फिर भी कंगना का किस के मामले में एक स्टैंडर्ड है जिसमें मीका एडजस्ट नहीं होते। फिल्म की कोस्टार होते हुए भी सोनम ने अभिषेक का बर्थडे कर दिया मिस, लेकिन कहीं इसकी वजह बर्थडे पार्टी में ऐश की प्रेजेंस तो नहीं। क्या सोनम कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 5 फरवरी को न्यूजीलैंड में अभिषेक के बर्थडे में जूम ने कुछ खास नोटिस किया। अभिषेक बच्चन अपनी फिल्म प्लेयर्स की शूटिंग न्यूजीलैंड में कर रहे थे विद बिपाशा बासु एंड सोनम कपूर, एंड 5 फरवरी को उनके बर्थडे पर पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची सेलिब्रेट करने के लिए, जिसमें फिल्म प्लेयर की कास्ट बिपाशा बासु, सिकंदर खेर, अब्बास मस्तान, जॉनी लीवर, ओबी वैद्य, ये सब मौजूद थे, लेकिन एब्सेंट थी सोनम। इवन दो सोर्सेस टोल्ड कि सोनम कपूर न्यूजीलैंड में ही थी और उन्होंने अभिषेक को स्पेशल गिफ्ट भी दिया, बट शी मेंटेन डिस्टेंस विद ऐश्वर्या। भले ही सोनम और अभिषेक कितने ही अच्छे दोस्त बनने का क्लेम करें, लेकिन इस एपिसोड के बाद तो यही लगता है कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन सोनम कपूर एंड ऐश्वर्या। कैटरीना कैफ ने मांगा सलमान के एक दुश्मन से खास फेवर, कब और क्यों आपको बताते हैं। सुनने में आया है कि कैटरीना कैफ रिसेंटली थी एक दुविधा में। कैटरीना की परेशानी की वजह थी उनके आने वाली फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन, जिसमें एक लीडिंग हीरो के कैमियो की जरूरत थी। तभी कैटरीना कैफ ने पर्सनली सलमान खान के खास दुश्मन जॉन अब्राहम को कॉल किया और रिक्वेस्ट की कि जॉन उनके फिल्म में कैमियो दे। बताया जा रहा है कि जॉन ने जैसे ही कैटरीना की परेशानी सुनी, उन्होंने फौरन कर दी हाँ। अब जॉन और सलमान खान दोस्त नहीं है, ये बात तो सभी जानते हैं, और फिल्म न्यूयॉर्क में जॉन कैटरीना के इंटीमेट सीन्स के बाद सलमान ने कैटरीना को जॉन से दूर रहने की सलाह दी थी, और काफी वक्त तक कैट ने सलमान की बात मानी भी थी। लेकिन इस खबर के बाद कैटरीना का सलमान की बात ना मानने का मतलब क्या हो सकता है?
कहीं सलमान की इसी बात का जवाब तो नहीं कैटरीना। रणबीर कपूर की फिल्म रॉकस्टार की रिलीज डेट हो गई है पोस्टपोन और इसकी वजह बताए जा रहे हैं एआर रहमान। इम्तियाज अली की रणबीर कपूर स्टार और एंड मच हाइप मूवी रॉकस्टार की रिलीज हो गई है डिले एंड इसकी वजह बताई जा रही थी एआर रहमान एंड उनका फेलियर इन डिलीवरिंग ऑन टाइम। बताते हैं कि रॉकस्टार की रिलीज डेट मई 27 से पोस्टपोन हो गई है और अब वो जुलाई 8 या जुलाई 15 को रिलीज होगी। और जूम को इन्वेस्टिगेशन में पता चला है दैट ये डिले हुआ रॉकस्टार के म्यूजिक की वजह से। जूम के सोर्सेज का कहना है दैट सिंस रॉकस्टार इज ऑल अबाउट म्यूजिक, इम्तियाज चाहते थे कि मूवी का साउंडट्रैक हो रॉकिंग एंड दैट्स व्हाई उन्होंने किया अप्रोच ऑस्कर विनिंग कंपोजर रहमान को। बट डैनी बॉयल की 127 के लिए ग्रैमी नॉमिनेटेड रहमान अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में इतने बिजी थे कि उन्होंने कर दिया डिले साउंडट्रैक प्रोड्यूस करने में। और जब उन्होंने दिया भी तो इम्तियाज को पसंद नहीं आया एंड ही रिक्वेस्टेड रहमान टू रीडू इट एंड बिकॉज ऑफ दिस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मूवी के रिलीज को करना पड़ा है डिले। सोर्सेस तो ये भी बताते हैं दैट इम्तियाज तो रणबीर के साथ सबसे पहले सॉन्ग्स ही शूट करना चाहते थे बट रहमान का साउंडट्रैक रेडी नहीं था तो शूट डिले ना हो ये सोचकर ही वेंट अहेड विद द सीन्स। Zoom Fashion Police और Zoom Fashion Police का आज का वारंट है नेहा धूपिया एंड मान्यता दत्त के अगेंस्ट, लेकिन किस लिए आपको दिखाते हैं। नेहा धूपिया आजकल वैसे भी ज्यादा दिखाई नहीं देती और जब देखी उन्होंने पहने थे ऐसे शैबी क्लोथ्स, आप खुद ही देखिए। The folded jeans are so disgusting and the red heels totally do not go with the look. ऊपर से आप लग रही हैं टू कैजुअल एंड द हील्स आर क्लैशिंग द एंटायर लुक। अब ऐसे ड्रेस अप करेंगी तो आपको मूवीज कैसे मिल सकती है नेहा। और ये क्या है मान्यता, व्हेन डिड फ्लैशिंग दीज रेड अंडरगारमेंट बिकम फैशनेबल। हमें आपका ग्रे ऑफ शोल्डर तो पसंद आया बट द रेड थिंग स्टिकिंग आउट इज सो नॉट हैपनिंग, ट्राई कीपिंग इट सिंपल। सलमान, अरबाज और सोहेल, बॉलीवुड के तीनों खान अपनी फिट बॉडी को छोड़कर फैट होते जा रहे हैं एंड वी कैन प्रूव इट। सलमान खान और उनके भाइयों पर छा गया है मोटापा। एक वक्त पर अपने फिजिक को फ्लॉन्ट करने वाले सलमान और उनके भाई अब फूलते जा रहे हैं। यकीन नहीं होता तो जरा देखिए एक एक करके इन भाइयों की तस्वीरों को। सबसे पहले बात सबसे बड़े खान सलमान खान की। एक अवार्ड फंक्शन में आए सलमान की ये तस्वीर इस बात की ओर साफ इशारा करती है कि तोड़ निकल रही है सलमान की। सलमान के बाद जरा देखिए सोहेल खान को। इन दिनों सोहेल भी नजर आ रहे हैं बल्की बॉडी के साथ। कभी मैंने दिल तुझको दिया और मैंने प्यार क्यों किया में बॉडी दिखाने वाले सलमान के ये भाई भी हो गए हैं मोटापे का शिकार। सल्लू और सोहेल को फैट लीग में कंपनी दे रहे हैं अरबाज खान। ये तस्वीर देखिए, अगर सलमान साथ ना खड़े हो तो ये पहचानना मुश्किल है कि अरबाज खान है। अरबाज ने भी फिल्मों में अपनी बॉडी खूब दिखाई है पर अब तो जनाब प्रोड्यूसर हैं, दबंग से पैसा भी खूब आया है तो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। बट वी आर श्योर कि इन खान ब्रदर्स को आप फिट देखना चाहेंगे, फैट नहीं। वैसे तो पाकिस्तान से हैं, लेकिन उनकी बॉलीवुड में निकल गई रिश्तेदारी और वो भी किसी और के साथ नहीं, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के साथ। अली एंड आमिर रिलेटेड, कुछ यही लिखा है मुंबई के एक टैब्लॉइड की हेडलाइंस पर। जी हाँ, अली जफर जिन्हें जुम्मा जुम्मा कुछ ही वक्त बॉलीवुड में आए हुआ है, निकले आमिर खान के दूर के रिश्तेदार। दरअसल अली जफर की वाइफ के फादर के कजन की मदर और आमिर खान की मदर आपस में कजिन्स हैं। आमिर खान को भी अपनी इस रिश्तेदारी का पता नहीं था, लेकिन अली जफर ने ही उन्हें इसके बारे में बताया और इसके बाद आमिर ने उन्हें इमरान और अवंतिका के रिसेप्शन में भी बुलाया था। हालांकि अली जफर वहां तो नहीं जा सके, लेकिन इस खबर से इतना तो पक्का हो गया है कि अली जफर को मिल गया है बॉलीवुड में गॉडफादर और वो भी आमिर खान। पर गौर करने की बात तो ये है कि अली जफर और इमरान खान एक साथ शॉर्ट टर्म शादी में काम कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। अब देखना ये होगा कि आमिर किसके साथ अपनी रिश्तेदारी निभाते हैं। न्यूज़ आई है कि
बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी संजय दत्त अपने भांजे नीलेश को नहीं कर रहे हैं प्रमोट, तो क्या हो सकती है इसकी वजह? मुंबई के एक डेली ने खबर प्रिंट की है कि बॉलीवुड के मामू अपने भांजे को ही मामू बना रहे हैं, क्योंकि जहां आमिर खान जमकर हर तरफ अपने भांजे इमरान को प्रमोट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बार बार बुलाने पर भी संजय दत्त फिल्म के प्रमोशन के किसी भी इवेंट पर नहीं आ रहे। मुंबई के एक डेली की माने तो नीलेश की फिल्म मार्केट में आने से पहले संजू बाबा ने प्रॉमिस किया था कि वो हर तरह से कोशिश करेंगे अपने भांजे को प्रमोट करने की, लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज होने के लिए आई, किसी एक इवेंट पर भी संजू बाबा नहीं आ पाए और इसीलिए कई इवेंट्स कैंसिल तक करने पड़ रहे हैं। हालांकि फिल्म के रिलीज पर मान्यता पहुंची थी तो उन्होंने संजय के ना आने की कुछ ये वजह बताई थी। मान्यता, आप चाहे जो भी कहें, लेकिन संजय का किसी एक भी इवेंट में ना आना साफ साफ इस बात की ओर इशारा करता है कि संजू बाबा अपने भांजे के बॉलीवुड डेब्यू से नहीं है खुश। विद्या बालन इज गोइंग टू द USA टू लॉन्च Zoom और हमने विद्या को कैच किया मुंबई एयरपोर्ट पर। Zoom went to airport last night to say goodbye to Vidya, who was going to America to welcome Zoom in USA. Yes, Zoom is 100% international now. Soon Zoom will be launched in America and Canada, and Vidya Balan is going to America karne Zoom ko welcome, and Vidya thi kafi excited. It's very special because we're launching Zoom there. I'm really looking forward to it, and it's going to happen at Times Square. विद्या वाज़ सो एक्साइटेड दैट डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएस में अभी भी काफी सर्दी है, उन्होंने स्पेशल आउटफिट्स भी प्लान किए हैं Zoom के अमेरिका में स्वागत के लिए। आई हैव टू ब्लैक ऑप्शंस, इट्स आई डोंट नो, इट्स ईदर अ सब्यसाची एज ऑलवेज। एंड विद्या के इस एक्साइटमेंट की वजह है दैट विद्या थिंक्स कि Zoom के स्टेप से होगा बॉलीवुड को काफी फायदा। वी ऑलरेडी हैव अ लार्ज फैन फॉलोइंग देयर, बट आई एम होपिंग दैट नाउ इट एक्सटेंड्स टू बियॉन्ड यू नो जस्ट द एशियंस इन द यूएस। Show you the exclusive photo shoot of Patiala House. Enjoy!